यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्त यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हो ZX10R, और ये ZX10RR है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ नॉर्मल ZX10R SE है, ये दो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ZX10RR, ठीक है। 2019 का मॉडल है। एंड गाइज इसको आज मैं फुली पहले तो पहले मैं इसको परचेज करूँगा। ये मैंने कर ली बाय। तो गाइज ये मेरी बाइक आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बाइक लग रही है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत सॉलिड लग रही है दोस्तों बाइक देखने में। 2019 का मॉडल है, 19 में बेसिकली यही वाला मॉडल यहाँ पर जो आया था। ये दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट बाइक, ठीक है। एंड अब ये करने के बाद ना दोस्तों, सो ये मेरी बाइक यहाँ पर आ चुकी है। बाइक ट्यूनिंग मैं करूँगा, सबसे पहले इंजन को अपग्रेड करने वाला हूँ मैं दोस्तों। ये फ़िलहाल 204 BHP की है और 206 किलो की है, तो वेट कराऊँगा। और 228 BHP तो इंजन किट लगते ही दोस्तों यहाँ पर हो गई। फिर एग्जॉस्ट लगने के बाद भी दोस्तों 244 एक्रापोविक लगने के बाद इसकी BHP हो रही है, मुझे BHP से मतलब है। ब्रेकिंग भी अच्छी हो गई, चलिए दोस्तों। चेन भी अच्छा यहाँ पर वो निभाएगी। रिम्स, अगर मैं कार्बन फाइबर के रिम्स कराऊंगा ना तो गाड़ी का और वेट कम हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, गाड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। टायर्स, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इन वाले टायर से। एंड मिरर लगे रहने देते हैं, अच्छे लग रहे हैं। एंड ये टेल दोस्तों वैसे तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस कावासाकी दिखता है, बट मैं इसको एक काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको सीधा रेस पर लेकर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इस बाइक को चलाने के बाद मतलब कैसा एक्सपीरियंस है। बेसिकली पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ना, मैं ट्रैक पर जाने वाला हूँ डेटोना स्पीडवे पर, ठीक है। और स्पीडवे पर मैं यहाँ पर चलाऊँगा गो टू ट्रैक, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से इस बाइक को रेस करने वाला हूँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ चुके हम डेटोना स्पीडवे पर। स्टार्ट करता हूँ मैं सीधा, अरे वेट गाइस, वेट 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 वेट, एग्जिट टू मेन मेन्यू, मुझे एक मिनट एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि ये 22 लैब्स का बेसिकली रेस थी। मेरे को 22 लैब की रेस नहीं करनी है, रेस सेटिंग्स बेसिकली ये मैक्सिमम मैं 5 लैब्स रखना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। एंड चलिए गो टू ट्रैक। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई थी, मेरे को ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। रोड थोड़ा सा यहाँ पर गीला टाइप का हो सकता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सनी करूँगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। वेदर एंड लाइटनिंग, 13 पिक्स, क्लियर वेदर विजिबिलिटी, यस। चलिए दिस इज़ नाइस, ये गाइस काफ़ी सही हो जाएगा अब तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेस को, अब भी तो मज़ा आने वाला है अपनी ZX10R को चलाने में। क्या V4R मुझे हरा सकती है? क्या बात है दोस्तों, तीन सौ दस, देख रहे हो दोस्तों 300 पार कैसे फेंकी मैंने गाड़ी को एकदम। एक नंबर मेरा बेस्ट होने वाला है दोस्तों ये। अब की बार मैं उससे भी तेज करूंगा दूसरा लैप। 57 सेकंड में मैंने एक लैप मारा है दोस्तों,
मेरी कोशिश रहेगी इससे भी तेज मैं लेकर चलूं। गाड़ी की मैंने जान निकाल दी 10R की पूरी। ZX10R की दोस्तों निकल चुकी है पूरी की पूरी जान। क्या बात है, ये होता है दोस्तों लैब मारने। क्या बाइक भाग रही है दोस्तों। ये होती है दोस्तों टॉप स्पीड बाइक की। क्या बाइक चल रही है दोस्तों, क्या बाइक चल रही है, चेक मारो आप। बढ़िया, हर लैप तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा किया है। एक नंबर दोस्तों, एक नंबर। ये वाला लैब मुझे लग रहा है दोस्तों थोड़ा लंबा खींच जाएगा, लग रहा है मेरे को ये वाला थोड़ा लंबा खींचेगा ये वाला लैब। क्या बाइक चला रखी है तुम्हारे भाई ने। अब ये वाला लैप खींचूंगा मैं सबसे सही। क्या बात है, चल 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 चल। अब थोड़ा दोस्तों पीछे ही चल रहा है। चल 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 चल। अरे भाई, इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे वो लोग। बट गाइस बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार 10R का। भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से दोस्तों 10R जो है भागी है। ठीक है चलो दोस्तों, ये तो हो गया ZX10R का। ठीक है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ZX10R ने दोस्तों यहाँ पर जो है बाजी करी। ठीक है बट बाइक एंड राइडर पर्सनल गैरेज, मैं ज़रा यहाँ पर ना BMW Ducati, ये हो गई BMW S1000RR। ठीक है ना, जो आमिर माजिद के पास है। ठीक है एक बार ज़रा मैं ना दोस्तों इस बाइक को यहाँ पर जो है इससे रेस करना चाहूँगा। रेस सेटिंग यहाँ पर मैं सीधा ये रखूँगा और मैं डिफ़िकल्टी बिल्कुल यहाँ पर हार्ड, वेरी हार्ड एक्सट्रीम कर दी मैंने। ठीक है अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस बाइक के साथ S1000RR। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, 10R से तो जो अगस्त्य भाई के पास थी उससे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो दोस्तों यहाँ पर जो है किया है। NR 300-319 तक गई थी। ये
10R से भी पीछे है भाई। ZX10RR थी भाई असल में। भाई ये देखो जिक्सर वाला कैसे निकल रहा है आगे। भाई बिल्कुल मतलब उतरी निकला जिक्सर वाला आगे। इसकी जिक्सर S1000RR से तेज है। अबे भाई इसको देखने के चक्कर में गया यार मैं। उसको देखने के चक्कर में कांड हुआ है ये जितना भी कुछ हुआ है। अब तो भाई मैं हार ही गया रेस ये। ओ भाई ये राइडर गिरे कुछ यहाँ पर मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी बाइक से। सारी खो दी इसने S1000RR ने सारी की सारी खो दी। इतनी तो भाग भी नहीं पाई है। 10वें नंबर पे और ला दिया मुझे। पहले नंबर पे भाग रहा है जिक्सर वाला। जिक्सर इससे फास्ट है S1000RR से आज पता लगा मेरे को। अब ये कोई बाइक वाला जा रहा है तो मैं पीछे कर ही दूंगा। 9वें नंबर पे आ जाऊंगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। होंडा वाला था कोई। अबे भाई बहुत किस्मत खराब है S1000RR की तो। बहुत किस्मत खराब है दोस्तों। बट क्या ही कर सकते हैं यार। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप कि यार आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। देखो होंडा CBR 1000 फायरब्लेड RR जिक्सर आर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप कि आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। खुश रहिए। बाय बाय।